स्टूडेंट्स के लिए पार्ट टाइम जॉब में सबसे इजी जॉब ऑनलाइन ट्यूशन रहती है, क्योंकि इस तरीके से आप खुद भी रिवाइव होते रहते हो और आप बच्चों को भी पढ़ाते हो, तो उससे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो, अच्छे से पैसे कमा सकते हो। भले बहुत ज्यादा लाखों करोड़ों में नहीं कमाते हो, लेकिन ये कि आपकी साइड अर्निंग हो जाती है। तो एज अ साइड हसल अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ा के, तो ये वीडियो जरूर देख लेना, जिसमें आप आसानी से अकाउंट भी बना सकते हो, आसानी से ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ा सकते हो, स्टूडेंट्स भी आपको मिल जाएंगे, नेशनल हो इंटरनेशनल हो, हर तरह के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो, सब्जेक्ट वाइज कोई इशू नहीं है। जिसमें स्पेशलाइज हो वो सब्जेक्ट आप आराम से यहाँ पे पढ़ा सकते हो, मैथ्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, इसके आगे के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उर्दू है, अगर आप उर्दू पढ़ाना जानते हो बहुत अच्छा है, उर्दू भी पढ़ा सकते हो। बहुत अच्छे मुझे इसके रिव्यूज मिले, तो मैंने कहा आपके साथ इसको जरूर शेयर करना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो मेक श्योर टू वॉच कम्प्लीटली, एंड इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड यू कैन स्किप इट। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपसे। तो इसके लिए आपको एक वेबसाइट लिखनी है गूगल पे, reply.com आप लिखेंगे तो आपको ये वेबसाइट सामने शो हो जाएगी, आपने इसको ओपन कर लेना है क्लिक करके। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई फॉर ऑनलाइन उर्दू ट्यूटरिंग जॉब्स, यानी कि अगर आपने उर्दू पढ़ानी है तो उसके लिए ये वेबसाइट ना बेहतरीन है। जब आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो इस तरीके से कुछ इंटरफेस सामने आ जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं बेसिकली वो यहाँ पर क्लिक करते हैं, जैसे ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने इतने $2 to $8 तक आपने पे करना है अगर आपको ये क्लास लेनी है। सब्जेक्ट यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी, पंजाबी भी है, इंग्लिश भी है और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन यहाँ पे हमने बेसिकली उर्दू पढ़ानी है तो आपने उर्दू इसको रखना है। डॉलर यहाँ पे आपको रेट डिफरेंट डिफरेंट मिल रहे हैं, ठीक है, $2 to $8, $2 to $9, $5 to $15, ये डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पर। यानी अगर आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा तो आप ज़्यादा डॉलर चार्ज कर सकते हो, और अगर आप इनिशियली काम पे शुरू कर रहे हो ऑनलाइन ट्यूशन देना तो फिर आप मिनिमम डॉलर चार्ज करो, तो वो बेटर रहता है। अगर यहाँ पर ये $2 to $9 या $8 लिखा है, तो मैं अगर मिनिमम भी लूँ तो डॉलर का क्या रेट चल रहा है, 279 ना, तो अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है, तो क्योंकि $1 का रेट 279 है, तो $2 अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं तो एटलीस्ट 500 या 560 इस तरह से आप चार्ज करोगे एक घंटे की क्लास के। और अगर आपका एक्सपीरियंस या आपके स्किल का लेवल बढ़ता जाता है तो फिर आप उस हिसाब से अपने डॉलर को चार्ज करते हो। अगर यहाँ पे मैं 5 लिखती हूँ, ठीक है, $5 अगर आप ले रहे हो यहाँ पे, तो एक घंटे का आप लेते हो इवन ₹1400 लेते हो, ठीक है, तो ये ₹1400 आप यहाँ पर लेते हो एक घंटे का। तो अगर आप दिन में 5 घंटे पढ़ाते हो तो फिर आप एक दिन में कितना एटलीस्ट चार्ज कर सकते हो, कितने पैसे बना सकते हो, अगर आप 5 घंटे पढ़ाते हो उर्दू एक दिन में, फिर आप कितना अर्न कर सकते हो, तो आप खुद ही देख लो। यहाँ पे तकरीबन 6,000 to 7,000 रुपये तक अर्न कर सकते हैं एक दिन में, 6,000 to 7,000 रुपये आप अर्न कर सकते हैं। और अगर इसको मैं 30 डेज के साथ काउंट करूँ तो 30 डेज में आप तकरीबन 2,09,000 समथिंग बन रहा है। तो आई डोंट थिंक सो इट्स अ बैड आइडिया इफ़ यू अर्न एटलीस्ट 2 lakhs पर मंथ बाय जस्ट अ साइड हसल, यानी ट्यूशन पढ़ा के, चाहो तो परमानेंट काम कर सकते हो, बट ये के बहुत फ़ायदा होता है। तो फिर आपने यहाँ पे क्या करना है, क्लिक करना है जी, फ़ौरन से अकाउंट बनाइए यहाँ पे और काम स्टार्ट करें। उसके लिए हम बिकम अ ट्यूटर पे क्लिक करेंगे और हमारे पास यहाँ पे कुछ 3 steps होंगे जो हमने करने हैं। सबसे पहले साइन अप करेंगे, उसके बाद हमारी प्रोफाइल अप्रूव हो जाएगी और फिर हमने स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट करना है वर्ल्ड वाइड और अपनी ट्यूशन का आगाज करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे अपना अकाउंट बनाना है, आपने यहाँ पे सबसे पहले साइन इन करना है। अदरवाइज यहाँ पे अगर आपके पास क्रिएट एन अकाउंट का भी ऑप्शन है, अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप क्रिएट कर सकते हैं गूगल का अकाउंट, ठीक है। गूगल से या फेसबुक से साइन इन करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होगी, ये फिल कर लेती हूँ मैं। यहाँ पे सारी आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं, सारी पर्सनल डिटेल्स को ऐड करने के बाद यहाँ बारी आती है प्रोफाइल फोटो की, तो आपने यहाँ पे एक प्रोफाइल पिक्चर लगा देनी है, क्लियर होनी चाहिए, विजिबल होनी चाहिए, सिंपल सा बैकग्राउंड हो, तो फिर आप इसको लगा दीजिए पिक्चर को। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, इसको सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हमारे पास आता है, विच इज कि हमें अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह यहाँ पे बतानी है। क्वालिफिकेशन में सबसे पहला स्टेप है टीचिंग सर्टिफिकेशन का। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई सर्टिफिकेट है टीचिंग का, अगर आपको रिप्लाई से ही जैसे यहाँ पे पूछ रहे हैं मिला हुआ है, तो आप यहाँ पे इन चीज़ों को ऐड कर दो, या अदरवाइज कहीं और से मिला हुआ है तो वो भी ऐड कर सकते हैं सर्टिफिकेट। इससे आपकी डिमांड, आपकी एक्सपीरियंस वगैरह सब बढ़ता है, तो फिर आप अच्छे डॉलर चार्ज कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप चेक मार्क कर सकते हो और आगे बढ़ जाएंगे। एजुकेशन पे आते हैं तो यहाँ पे आपको अपनी एजुकेशन या अपनी डिग्री की डिटेल वगैरह यहाँ पे देनी है। अगर आपके पास कोई डिग्री है, बीकॉम की, ग्रेजुएशन की डिग्री है, मास्टर्स की डिग्री है, कोई भी डिग्री है, तो आपको यहाँ पे सारी उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। और इसके बाद यहाँ पे जो है आपने इसको सेव एंड कंटिन्यू करना है। अच्छा, ये सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ऑथेंटिक होनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ आपकी ऑथेंटिक है तभी आप इसमें आगे कंटिन्यू कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं।
ठीक है, बाद में भी आपको आगे जाके वरना प्रॉब्लम हो सकती है। अगर अभी फिलहाल मैं आपको सिर्फ डेमो दे रही हूँ तो मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ, आपने ज़रूर इन्फॉर्मेशन देनी है अपनी। यहाँ पे प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन आ जाती है नेक्स्ट पे। प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन इज एक्चुअली द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जब तक लोग प्रोफाइल आपकी नहीं पढ़ते नहीं देखते तब तक वो क्लिक नहीं करते, उनको क्लास नहीं लेनी। जब तक कि वो आपकी प्रोफाइल से इंप्रेस ना हो जाएं, वो लोग चाहे स्टूडेंट्स हों या बच्चों के पेरेंट्स हों, अगर वो आपकी प्रोफाइल को देखते हैं तो वो आपकी प्रोफाइल से इंप्रेस होना उनका ज़रूरी है। तो इसलिए आपकी प्रोफाइल इज एक्चुअली द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हम यहाँ पर चैट जीपीटी और व्हाट्सएप मेटा एआई दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको खुद से डिस्क्रिप्शन नहीं अच्छा सा लिखना आता तो आप इसकी हेल्प ले सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपने कमांड देनी है यहाँ पे कि आप एक ऑनलाइन ट्यूशन के लिए एक समरी लिख दो, जिसमें आप फला सब्जेक्ट के लिए डिटेल से आप लिख सकते हो, जो भी आपका सब्जेक्ट है। हम यहाँ उर्दू की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उर्दू के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास मेटा एआई एक डिटेल में आपको दे देगा, ब्रीफली भी बता सकता है, डिटेल लिखोगे तो डिटेल भी मिल जाएगी। तो आपको समरी बेसिकली डिस्क्रिप्शन के लिए यहाँ पर लेनी है, उसको आपने वहाँ जाकर कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ से आप इसको कॉपी कर लो, वहाँ जाके आपने इसको पेस्ट करना है। जो चीज़ आप कॉपी करते हो मेटा एआई या चैट जीपीटी से, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर पेस्ट करते वक्त ध्यान रखना होता है कि कहीं कहीं आपका नाम मांग रहे होते हैं तो आपको उस जगह पे अपना नाम लिखना होता है, इंस्टीट्यूट लिखना होता है या डिटेल्स एजुकेशन के बारे में या कुछ भी, तो आप उसको देख लिया करो, एज इट इज़ नहीं कॉपी पेस्ट किया करें, ठीक है। इसके बाद जब ये डन हो जाएगा यहाँ पे सारी डिस्क्रिप्शन, आपने एक्सपीरियंस लिखना है अपना, एक्सपीरियंस के बाद आपने यहाँ पे सेव करते जाना है, इसको कंटिन्यू करते जाना है। इसके बाद जो आपने नेक्स्ट कंटिन्यू करने के बाद, देखिए यहाँ लिखा है मोटिवेट पोटेंशियल स्टूडेंट्स, यानी कि आपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना है, कुछ ऐसा आप यहाँ पर लिखोगे जिससे आप स्टूडेंट्स आपके मोटिवेट हों और वो क्लास आपकी ज्वाइन करें, आपके सेशंस लें, ठीक है, उर्दू सीखें, ऐसा क्या आपने लिखना है। तो वो आप चैट जीपीटी या मेटा एआई पे सर्च करें, उसको आप वहाँ अपने पैराग्राफ में से वो ऐसे कुछ पॉइंट्स लिखें यहाँ पे जो कि बहुत ज़्यादा इंगेजिंग हो, वो लिखने के बाद भी आपने यहाँ पे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको हेडलाइन बोला है लिखने के लिए, यानी कि आप एक आई कैचिंग हेडलाइन लिखें, क्योंकि बेसिकली जब स्टूडेंट्स आपके प्रोफाइल को ओपन करेंगे तो वो एक टॉप पे एक हेडलाइन देखेंगे, ठीक है, उस हेडलाइन से इम्प्रेस होकर वो आपकी प्रोफाइल को ओपन करते हैं, फिर वो मजीद आपके प्रोफाइल को पढ़ते हैं, डिस्क्रिप्शन वगैरह पढ़ते हैं, बाकी आपकी डिटेल्स लेते हैं। सबसे पहले उनकी नज़र में आपकी हेडलाइन ही आती है आपकी प्रोफाइल पे, ठीक है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आपने हेडलाइन को ऐसा लिखना है, आई कैचिंग सी हेडलाइन लिखनी है, ताकि आप स्टूडेंट्स के अटेंशन को ग्रैब कर सको और फिर वो आपके प्रोफाइल को ओपन करके और बाकी आपकी डिटेल्स लें और फिर आपके साथ जो है वो इंटरेक्ट करें या आपसे क्लासेस लें। देखिए यहाँ मैं वापस मेटा एआई पे आ चुकी हूँ और यहाँ पे मैं लिखूंगी राइट अ कैची हेडलाइन फॉर स्टूडेंट्स टू ग्रैब द अटेंशन, ठीक है। इसके बाद मेटा एआई पे मुझे काफी ऑप्शंस मिल जाएंगे कि ये हेडलाइन हम लिख सकते हैं, तो उसमें से कोई एक चूज कर लेंगे और इस एक हेडलाइन को मैंने चूज कर लिया है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पेस्ट कर दूंगी वेबसाइट पे जहाँ हमने हेडलाइन लिखनी है, ठीक है, रिप्लाई पे। तो ये मैंने हेडलाइन लिख के मजीद एडिशनल वर्ड्स में मैंने यहाँ पे लिख दिया विद माय 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि ये जगह जगह अगर मैं इस तरह की चीज़ें ऐड करती जाती हूँ अपनी तरफ से तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पे इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आएगा उसमें हमारे पास आएगा कि हमने कैमरा टेस्ट करना है, ठीक है, ओके करेंगे। तो यहाँ पे देखें आपको लिखा है वीडियो इंट्रोडक्शन, यानी कि यहाँ पे आपने एक अदद वीडियो बनानी है जो कि 2 मिनट के अंदर अंदर आपने बनानी है, उसकी लेंथ 2 मिनट या उससे कम होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए वीडियो इंट्रोडक्शन के साथ ही लिखा हुआ है कि आपने हॉरिजॉन्टल वे में वीडियो बनानी है, यानी कि 16:9 का रेशो रख के आपने वीडियो बनानी है जो हम यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियो बनाते हैं। इसके अलावा उस वीडियो में जो भी जो आप कर सकते हो, देखो डू लिखा हुआ है कॉर्नर पे, तो ये सारे काम इसमें होने चाहिए, और डोंट लिखा हुआ है यानी कि ये सारी बातें इस वीडियो में नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे आप वीडियो का लिंक भी पेस्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कभी किसी और वेबसाइट के लिए कोई इस तरह की इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई हुई है, कहीं पे अपलोड की हुई है, तो आप डायरेक्टली उसका लिंक यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, आपको नीचे ऑप्शन मिला हुआ है। इसके अलावा वीडियो बना के रख के आप यहाँ पर वीडियो को अपलोड कर सकते हैं, तो मैंने कर दी है एक वीडियो अपलोड, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सिर्फ डेमो दे रही हूँ तो एक डेमो के लिहाज से मैंने वीडियो बनाई थी, वो यहाँ पे मैंने अपलोड कर दी है। इसके अलावा ये कि आप किस तरीके से वीडियो बना सकते, क्या उसका पैटर्न होता है, क्या क्या बोलना है, ये आपको YouTube पे मजीद इस तरह की वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप वहां जाकर देख सकते हो कि आपने किस फॉर्मेट पे किस तरीके से क्या बात करनी है। बेसिकली आपने अपना इंट्रोडक्शन देना होता है, आपने अपने बारे में थोड़ा सा बताना होता है ब्रीफली वीडियो में ही। नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अवेलेबिलिटी शो हो जाएगी, यानी कि आपको यहाँ पे अपना टाइम जोन सेट करना होगा, तो आपने पहले येस पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे अपना टाइम जोन सेट करना है। आप एशिया सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पे आपको कराची का ऑप्शन मिलेगा, तो आप उसको सेट कर लीजिएगा, ठीक है।
इसके बाद जो आपने काम करना है वो अपनी अवेलेबिलिटी को आपने यहाँ पर सेट करना है, यानी कि टाइमिंग्स और डेज को आपने यहाँ पे सेट करना है। ठीक है, आप पहले डेज को सिलेक्ट करोगे, यानी कि पूरे वीक में आपने कितने दिन पढ़ाना है ट्यूशन, और जब दिन सेलेक्ट कर लोगे तो आपने उसकी जो है नीचे स्लॉट में टाइमिंग्स है तो वो आपने टाइमिंग सेलेक्ट करनी है कि आपने 2 घंटे पढ़ाना है कि 1 घंटा पढ़ाना है या 5 घंटे पढ़ाना है, कब से लेके कब तक की आपकी क्लास की टाइमिंग होगी। तो ये सब आपने यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए सेट करना है। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पे बारी आती है कि आपने यहाँ पे अपनी प्राइस सेट करनी है। ठीक है, आपको यहाँ पे 50 मिनट की क्लास लेनी होती है। 50 मिनट की क्लास के लिहाज से जो मिनिमम पैसे हैं यहाँ पे वो $2 से $3 होते हैं। तो यहाँ पे $3 आपको शो कर रहे हैं, तो आप मिनिमम 3 चार्ज कर सकते हो, और ये मिनिमम पे अगर आप स्टार्टिंग में रहोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। स्टूडेंट्स आपको ज्वाइन करेंगे, आपको एक दफ़ा समझेंगे, आपसे क्लास लेंगे, आपसे क्लास लेना समझ आएगा आपका लेक्चर, तो वो मज़ीद आपके साथ एडजस्ट होते जाएंगे और आपके सेशंस को लेते चले जाएंगे। तो इसीलिए आपने पहले अपने लोअर रेट्स रखने हैं, और उसके बाद जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए, जब आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएं, तो फिर आप अपने रेट को चेंज कर सकते हो और बढ़ा सकते हो डॉलर्स को। ठीक है, आप 3 से 4, 4 से 5 कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके अपने एक्सपीरियंस लेवल पर। ठीक है, तो उसके बाद मंथली आप लाख तक तो अर्न कर ही लोगे इंशाल्लाह। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कमीशन कितना चार्ज करते हैं प्रिप्लाई वाले। ठीक है, तो यहाँ पे सारा परसेंटेज लिखी हुई है, क्या क्या कमीशन है, किस तरह से कि पैसों में से कितना डिडक्ट करेंगे, कितना ये रखते हैं, कितना आपको देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये कि मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप शुरू में अपने चार्जेस को हमेशा लो ही रखिएगा। आप शुरू में $3 या $2 रखेंगे तो आपके पास स्टूडेंट्स आएंगे, और अगर आप शुरू में ही अपनी प्राइसिंग बढ़ा लेंगे तो फिर आपके पास स्टूडेंट्स नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे वैसे ही काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर हैं, बट ये कि अपनी प्राइस को लो रखोगे तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स आएंगे।